हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्की। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ड्वार्फ एक्जोरा या चाइनीज़ एक्जोरा के बारे में। दोस्तों इसका केयर कैसे करें, सॉइल कैसा रहेगा और वाटरिंग कैसे करें, सनलाइट कितनी ज़रूरी है, लोकेशन कैसा रहना चाहिए, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात की जाए तो चाइनीज़ एग्जोरा बहुत ही एक केयरिंग प्लांट है। दोस्तों आप इसे, इसकी एक वैरायटी होती है जो इससे बड़ा होता है, आप उसे, इसे उस तरीके से आप ट्रीट नहीं कर सकते। दोस्तों ज़्यादातर ड्वार्फ जो एग्जोरा है उसको गमले में ही पॉट में लगाना प्रेफर करते हैं। दोस्तों आप इसे कंपाउंड में लगाएंगे तो आपको इसकी बहुत केयर करनी पड़ेगी। गमले में भी सेम वैसी ही केयर करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा केयर आपको कंपाउंड वाले चाइनीज़ एग्जोरा में आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों इसके सॉइल मीडिया की बात करें तो आप एक हिस्सा इसमें सॉइल ले सकते हैं, एक हिस्सा आप बजरी ले सकते हैं या सैंड ले सकते हैं, और एक हिस्सा आप कंपोस्ट लीजिए। दोस्तों मैं कंपोस्ट की बात करूँगा तो कुछ अधिक मात्रा में ही लीजिए, क्योंकि इसको एसिडिक नेचर वाले सॉइल बहुत ज़्यादा पसंद है। दोस्तों इसका सॉइल नेचर अगर एसिडिक रहेगा तो ये बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा और बहुत ही मात्रा में फ्लावरिंग करेगा। दोस्तों यदि अगर इसका सॉइल का नेचर एसिडिक नहीं है तो यह ग्रोथ भी अच्छे से नहीं करेगा। दोस्तों कंपोस्ट की बात करें तो आप इसे कंपोस्ट में काउ कंपोस्ट दे सकते हैं, और नीम की खली या मस्टर्ड खली के रूप में भी आप इसे दे सकते हैं। दोस्तों इनऑर्गेनिक की बात की जाए तो आप एनपीके दे सकते हैं। दोस्तों एनपीके आप इसके रूट में आप इसका मिक्सचर बना के वाटर के साथ दे सकते हैं, या स्प्रे के साथ आप इसके लीफ में भी डाल सकते हैं। दोस्तों लीफ में ये अपने न्यूट्रिएंट्स को जल्दी अब्जॉर्ब कर लेती है, तो ज़्यादातर दोस्तों आप सॉइल में तो दें ही मल्चिंग के बाद, लेकिन लीफ में भी आप स्प्रे ज़रूर करें। दोस्तों इसको वाटरिंग की बात की जाए तो आप इसे चाइनीज़ एग्जोरा को आप एक निश्चित समय में ही वाटरिंग करें। जैसे आप सुबह 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 की सनलाइट में अगर इसे वाटरिंग कर रहे हैं तो आप इसे निश्चित टाइम ही बना लें, और शाम को जैसे वाटरिंग करते हैं तो आप उसी ही दौरान आप इसे वाटरिंग करें। दोस्तों आप इसे रात को वाटरिंग करने से बचें, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा अगर इसे रात को वाटरिंग या इसके सॉइल में वाटर होता है तो फंगस, इसके रूट्स को फंगस लगने का चांस रहता है दोस्तों, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दोस्तों तो आप वाटरिंग को एक निश्चित समय में ही करें। दोस्तों बात की जाए लोकेशन या इसको सनलाइट कैसा पसंद है, तो दोस्तों इसको सुबह सुबह का सनलाइट आप ज़रूर दिखाएं, और एकदम झुलसती हुई सनलाइट से आप इसे बचा के रखो। दोस्तों आगे बात की जाए फ्लावर, तो दोस्तों यह जैसे ही अपना ब्रांच निकालता है मेन मेन स्टेम से, दोस्तों जैसे ही अपना ब्रांच निकालता है वहीं छोटे छोटे आपको जैसे दिख रहे होंगे गुच्छों में, लगभग 50 से 60 गुच्छों में यह फ्लावरिंग करता है दोस्तों। और इसके फ्लावर बहुत छोटे छोटे रहते हैं, लगभग 4 पीटल होते हैं इसके फ्लावर्स में दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं दोस्तों। और इसकी कलर वैरायटी की बात की जाए तो दोस्तों वाइट, पिंक, रेड और ऑरेंज और येलो मैंने देखा है। मेरे पास तो दोस्तों गुलाबी कलर का है, पिंक कलर का और रेड कलर का बड़े में, बड़े एक्सोरा में है दोस्तों, मेरे पास अवेलेबल है। दोस्तों इसकी प्राइस की बात की जाए तो दोस्तों आपको ये नर्सरी में लगभग 40 से 50 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों मैंने इसे गमले में लगाया है जो कि बहुत ही ग्रो कर रहा है दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। दोस्तों आप इसे कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं, आप इसके कटिंग को ज़रूर सॉइल में लगाएं। दोस्तों इसके डिजीज़ की बात की जाए तो इस पे फंगस के डिजीज़
और मिलीबग्स की डिसीज और लीफ येलो होने की डिसीज आपको इसमें देखने को मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों जो मिलीबग्स हैं या फिर फंगस है, इसके लिए आप पेस्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो लीफ कलर चेंजिंग होता है वह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होता है। तो आप इसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने का प्रयास करें दोस्तों, जिसे आपका जो ये लीफ मेरी हरी हरी दिख रही है वो आपके येलो होने की प्रॉब्लम होती है, वो आपकी समस्या दूर हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों इसकी बात की जाए, दोस्तों प्रूनिंग की बात की जाए तो आप इसे लगभग रेनी सीज़न के बाद आप इसे प्रूनिंग कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यह एक बूश के शेप में ग्रो करता है और जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा यह बूश के शेप में होगा, और इसे जैसे ही इसके बूश के शेप से बाहर निकलने लगता है इसके ब्रांचेस, आप इसे प्रूनिंग कर दे दोस्तों। प्रूनिंग करेंगे तो ये बहुत अधिक मात्रा में आप ब्रांचेस निकालेगा और बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा, और यह आपका जो बूसी प्लांट है एक्जोरा का, चाइनीज एक्जोरा का, वो आपको आपके पूरे गमले में पूरा एक शो पीस की तरह दिखने लगेगा दोस्तों। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी इसे प्रूनिंग नहीं किया है, समर का सीज़न चल रहा है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो पे कमेंट करें दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ बने रहे दोस्तों। और मेरे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी पाने के लिए दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दे दोस्तों। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद दोस्तों।